फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मैं एक्विलियम आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सब्जी बनाने वाले हैं। आलू, बैंगन, पापड़ी, हरी मिर्च, अदरक, ये तीखी वाली मिर्च है और ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, तीखापन नहीं रहता है वो मिर्च है, वो मैंने टेस्ट के लिए ऐड किया है फ्रेंड्स एक। और यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ली है, आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने चार बैंगन लिए हैं फ्रेंड्स, और चार मैंने आलू लिए हैं, और 100 ग्राम मैंने पापड़ी ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। फ्रेंड्स, हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी राई ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे। अभी फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को आप जैसे भी आपको कट करना हो कर सकते हो, मैंने लंबा कट किया है फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे। बैंगन को भी हमने ऐसे ही कट किया है। आलू बैंगन को सबको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। अभी हम बैंगन ऐड करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। आधी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने इसमें 2 हरी मिर्च ऐड की है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी चीनी आपको ऐड करनी हो तो कर सकते हो, एकदम थोड़ी सी, आधी चम्मच भी नहीं मैंने ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आपको ऐड नहीं करना है, स्किप कर सकते हो। लेकिन जैसे बैंगन है, पापड़ी है, तो थोड़ी सी चीनी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ट्राई जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे हम 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लीड बंद कर देंगे फ्रेंड्स।
हमें 3 विसल बजानी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख लेते हैं, 3 विसल हो गई है। तैयार है टेस्टी टेस्टी सब्जी फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे। तो चलिए अभी हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। अब हम सर्व करेंगे गरमा गरम टेस्टी सब्जी। थोड़ा सा हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे, साथ में हम बाजरे का रोटला सर्व करेंगे, साथ में हम गुड़ सर्व करेंगे। और छाछ सर्व करेंगे फ्रेंड्स। धनिया से गार्निश करेंगे। तो तैयार है फ्रेंड्स गर्मा गर्म टेस्टी सब्जी। आप भी खाइए और आपके परिवार को भी खिलाइए फ्रेंड्स। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी सिंपल रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। ऐसी और भी सिंपल टेस्टी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊंगी फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।